हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल लर्निंग आईक्यू कर्व। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज मोशन। बिफोर दैट, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट द एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस चैनल। देन लेट्स स्टार्ट। मोशन, सबसे पहले मोशन किसे कहते हैं? देखिए, मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि किसी के रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही हम कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि वह मूव कर रहा है या वह रेस्ट में है। सपोज आप घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तो जो टीवी जो रखा हुआ है वह आपके रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। और अगर आप अर्थ के बाहर चल जाओ, सपोज आप मून में चल जाओ या मार्स में, कहीं पे भी, वहाँ से आपको अर्थ क्या दिखेगा? कि मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अगर वहाँ से आप उसी टीवी को, अपने घर का टीवी को देखेगा, तो वो भी आपको क्या दिखेगा? रोटेट करते हुए। तो देखिए, कोई भी एक्चुअल फैक्ट नहीं है कि क्या कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में या कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मोशन में कोई ऑब्जेक्ट या मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब समय एक रिफरेंस पकड़ना पड़ता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर। मोशन क्या होता है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। और रेस्ट क्या बोलते हैं? जो बॉडी रेस्ट में हो, मूव ना करे, एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड रेस्ट। अब देखिए, मोशन चार प्रकार के होते हैं मेनली। क्या क्या होते हैं? लीनियर, रोटेशनल, ऑसिलेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग। क्या कैसे होते हैं? देखिए, लीनियर मोशन किसे बोलते हैं? जब एक पॉइंट ए से जब पॉइंट बी में जा रहा हो, तो अलोंग स्ट्रेट लाइन जब मूव करेगा, तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। रोटेशनल किसे कहते हैं? जब अलोंग सर्कुलर सर्कल का अलोंग, अगर ऑब्जेक्ट पर रोटेट कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसे हम सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कहते हैं या सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर आ जाता है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग किसे कहते हैं? रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन या लेफ्ट या राइट अगर कुछ मूव करे। सपोज देखिए, पिस्टन एंड सिलेंडर का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये क्या होता है? रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट मींस अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन मूव करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मींस ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मींस क्या होता है? जब कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन मींस देखिए, पेंडुलम आप देखोगे, पेंडुलम जो होता है आपका, किस तरह मूवमेंट होता है उसका? एंड से इस तरह जाता है, फिर इस तरह जाता है, मीन्स इस तरह का मोशन करता है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट उसका कोई डायरेक्शन ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस, मास, स्पीड, वर्क, पावर, सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी है। इसमें और एक एक्सेप्शनल है, जो आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वह भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इवन उसका डायरेक्शन है, फिर भी उसे हम स्केलर क्वांटिटी बताते हैं। क्योंकि वह ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब बस ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता, वही आपको जानना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहेगा, आपका पूछेगा कि वाई करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो वहाँ पे ए भी दिया रहेगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ए भी दिया रहेगा कि इट नॉट फॉलो द ट्रायंगल रो, तो आपको उस पर टिक मारना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन मीन्स साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जो होता है किसी भी डायरेक्शन में वह मूव कर रहा है और एक मैग्नीट्यूड के साथ। सपोज आपकी बाइक चलाते हैं आप, तो
यहाँ से आपको साउथ डायरेक्शन में जाना है अभी 24 किलोमीटर पर आवर, तो मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पे वैल्यू भी है और आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में जाना है, तो उस टाइप का क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन डेफिनेट डायरेक्शन। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बॉडी मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उस लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो SI यूनिट होता है आपका मीटर और CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। CGS आ रहा है, CGS पूछ देगा तो उसमें आपको तीन चीज़ इम्पोर्टेंट। CGS का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए थोड़ा आप जान लीजिए डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, दोनों चीज़ सेम है लेकिन क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वही डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस का सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। सपोज कोई भी बॉडी है, ए से बी में गया, सपोज ये 5 मीटर है। ठीक है, और वही बॉडी फिर रिटर्न किया बी टू ए, 5 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, दोनों को जुड़ जाएगा है ना, क्योंकि इसमें हमको मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक, रही अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे ए से अगर बी गया तो यहाँ पे क्या लेना है हमको, डायरेक्शन भी लेना है। डायरेक्शन लेना मीन्स कि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, फ्रॉम बी से ए गया तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों का जोड़िएगा तो ये क्या होगा, माइनस लेना होगा, इसको प्लस लेना होगा, तो +5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए वहीं डिस्टेंस का वैल्यू 10 हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो रहा है। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इतना ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है और डिस्टेंस स्केलर होता है। इसका SI यूनिट मीटर सेंटीमीटर है और CGS यूनिट सेंटीमीटर है, यही तो आपको ध्यान देना है ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं स्पीड में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस जो कि ट्रैवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल और इन ए यूनिट इन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट अगर ले लेते हैं तो SI यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेक्टर, और स्पीड क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर वेलोसिटी इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का ये क्या होता है, वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका भी वही जो स्पीड का यूनिट होता है वो वेलोसिटी का ही भी यूनिट होगा, लेकिन वेलोसिटी में मेरा पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, v/t, v का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टी है तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो देखिए सेकेंड तो नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो वेलोस एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, CGS तो या सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, खत्म। ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अच्छे से आपका, डिस्टेंस का SI यूनिट होगा मीटर और CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह स्पीड का
स्पीड का होगा मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। और वही वेलोसिटी का हो जाएगा सेम मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मे भी क्वेश्चन भी आ जाता है इससे, ठीक है। तो इस वर्ड को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले क्या है, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उस टाइम हम लोग का ये तीन फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की जगह डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन मीन्स घटना, तो घटेगा तब क्या होगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस लगेगा, ठीक है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है मोशन का, ठीक है, कि अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिए सबका। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा बहुत जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्या है क्या नहीं। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस किस तरह का क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है ना, ही फिजिक स्केलर क्वांटिटी ना वेक्टर क्वांटिटी, किस टाइप का क्वांटिटी है, टेंसर। टेंसर थ्री डायमेंशन में हम लोग इसको शो करते हैं, व्यू करते हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कल मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए एक पॉइंट से अगर दूसरा पॉइंट में जाता है तो एक एंगल क्रिएट करता है, मीन्स एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है, किस तरह का डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस। तो इसको थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका इसका यूनिट होता है आपका रेडियन, क्या होता है, रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन। अब देखिए उसी तरह अगर एंगुलर वेलोसिटी हो गया तो उसका पर सेकेंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और उसी तरह अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए अगर टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड है और दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है कि सपोज कोई भी बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया फिर घूम के फिर इसी जगह पे आ गया तो उसको हम बोलेंगे एक रिवोल्यूशन कवर कर लिया। तो इतना इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि कितना रिवोल्यूशन एक सेकेंड में वो घुमा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम छोटा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एन इंटू टी इक्वल्स टू वन होता है, ओमेगा इक्वल्स टू, ये वाला गलत है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, आ देखिए ये जो डिस्टेंस होता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई आर, कितना कवर करता है, 2 पाई आर। नेक्स्ट आता है आपका लॉज ऑफ मोशन। तो फ्रेंड देखिए जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसने गवर्न किया था, सर आइजक न्यूटन ने। तो सबसे पहला लॉ उसने उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी अपने उसी स्टेट पे रहेगा, आइदर रेस्ट में रहेगा और अमोशन में, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स एक सीधा लाइन में, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कब तक, जब तक कि उसमें बाहरी बल अप्लाई ना किया जाए। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, ए बॉडी कंटिन्यू इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोल सकते हैं या लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद चलते देखिए इनर्सिया, अब इनर्सिया क्या है? तो इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोज चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इनर्सिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसके कारण, जिससे बॉडी जो जी बॉडी जो है आपका जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहता है अपोज करता है। अगर कोई भी आपका बॉडी का स्टेट अगर चेंज किया तो उसको अपोज करता है, वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। फॉर एन एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप बस में कभी ट्रैवल किए हो या ट्रेन पे, तो जब गाड़ी चल रहा है तो ठीक आप बैठे हो, अचानक जब ब्रेक लगता है तो आप क्या होते हो, आगे मूव कर जाते हो। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी जिस स्पीड से चल रहा है तो आपका जो पैर है उसी पे अटैच है, मीन्स वो अभी उसी स्पीड में है। अचानक जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन आपका पैर का जो स्पीड है उतना ही रहता है, लेकिन उतना ही स्पीड में रहता है, जिसके कारण एक आपको स्यूडो फोर्स फील होता है और आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्सिया इफेक्ट। ठीक, उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम सिंपल आपको याद रखना, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, यह डेफिनेशन भी है। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अमाउंट और ए क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन इट। कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन ये अपने अंदर में रखता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहीं से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। कैसे आता है देखिए आपको बता दे रहा हूँ। फोर्स इक्वल्स टू बोला है डी डी टी, रेट बोलेगा वहाँ डी डी टी लग जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, मास को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। उसके बाद डी डी टी ऑफ क्या हो रहा है वी। अब देखिए डी वी बाई डी टी क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मास को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, तब आ रहा है आपका मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। ठीक है, न्यूटन क्यों होता है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ही इसे डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सपोज आप दीवार में बहुत जोर से अपना हाथ मारे, आपको दीवार को जितना चोट लगा आपके हाथ को भी उतना ही चोट लगेगा, है ना, कोशिश कीजिएगा एक बार। तो इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट का भी देखिएगा फिनोमेना, जब वो उड़ता है तो उसके पीछे तरफ से जो बर्न होती है फ्यूल, जब इजेक्ट करता है विथ हाई प्रेशर, ड्यू टू दैट हाई प्रेशर वो बैकवर्ड फोर्स मारता है रॉकेट पे, और उसी फोर्स के कारण रॉकेट भी ऊपर जाता है, उठता है। तो आप बोल सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही रॉकेट भी आसमान में जाता है। और उसमें और एक फिनोमेना लगता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ आपको समझ में आ गया, सेकेंड लॉ समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू लॉर्ड।